हाँ तो अपना टेंथ का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क से आप फिर स्टार्ट कराइए। पहला सेंटेंस था मैं रोज भूल जाता सर ठीक है, ये क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट सर ये काम डेली हो रहा है करंट यानी डेली एक्टिव एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज है ना? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट घोड़े पार्क में दौड़ रहे हैं ठीक है, क्यों? सर प्रेजेंट कंटिन्यू सर क्योंकि ये काम अभी भी चल रहा है। अच्छा, दौड़ने का काम, जो घोड़े जो रन कर रहे हैं वो रनिंग का काम का चल रहा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं सर ये भी प्रेजेंट कंटिन्यू सर क्यों, ये काम भी अभी चल रहा है क्या काम है सेंटेंस के अंदर? सर पतंग उड़ाना उड़ाना, ठीक है। सर माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है सर ठीक ये है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू दोबारा से सेंटेंस बोलना। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है ठीक है, तो सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू क्यों? सर बहुत टाइम से खाना बना रहे हैं बहुत टाइम से खाना बनाती हैं क्या? ऐसा सेंटेंस में भी लिखा हुआ है कि मेरी मम्मी 2-10 साल से खाना बना रही हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं अगर मैं ऐसा बोलता, मैं मम्मी को कहता हूँ मैं सेफ क्यों होता हूँ, ये सेफ 10 साल से यहाँ पर अच्छा खाना बना रहा है, एक ही सेंटेंस है। और एक मैं सिंपल बोलूँ, ये सेफ अच्छा खाना बनाता है, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है या दोनों सेम ही हो गए? नहीं डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने मम्मी वाला खाना दिया क्या कि सेफ अच्छा खाना बनाता है, तो मैंने यहाँ पे वही वाला एग्जाम्पल दिया, मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं, टाइमिंग की मैंने बात ही नहीं की, तो ये कौन सा हुआ फिर? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाती हैं क्या? मम्मी अभी बना रही हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये एक नहीं सर मम्मी की सॉरी क्वालिटी बता प्रेजेंट रहे हैं। परफेक्ट मम्मी बना चुकी हैं ऐसा भी नहीं, मम्मी बनाती हैं, मम्मी रोज अच्छा बनाती हैं, डेली का काम है ये आपको पहचानना पड़ेगा, ये चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट। मम्मी रोज बनाती हैं, रोज की बात हो रही है, मेरी मम्मी खाना अच्छा बनाती है, रोज ही अच्छा बनाती है, ऐसे थोड़ी कि बना चुकी हैं आपने बोले परफेक्ट, बहुत पहले बना चुकी थी मम्मी, अब नहीं बनाती अच्छा खाना, ऐसा कुछ रोज अच्छा बनाती हैं। नहीं सर सो रहा था हाँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और बताओ, और सर हाँ वे बचपन में मुझे नानी के हाथ का खाना पसंद ठीक है, ये सर प्रेजेंट कंटिन्यू क्यों? सर अभी भी पसंद है अभी पसंद है क्या? कंटिन्यूस में, क्या कंटिन्यूस में, हम कंटिन्यूस में हम क्या देखते हैं? जो काम चल रहा है काम चला के सेंटेंस को काम है, इसे काम नहीं तो फिर आप तो ये आ ही नहीं सकता। फिर दूसरा मैंने बोला पसंद है ना पसंद बताने के लिए, तो फिर दूसरा सेंटेंस यूज करते हैं अपने लाइक डिसलाइक बताने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट हाँ लिखा हुआ है, मतलब पता है ना। हाँ तो यार ये कौन सा सेंटेंस होगा? मुझे नानी के हाथ का खाना पसंद है, इनडेफिनेट। प्रेजेंट आई लाइक माई ग्रैंड मदर्स मेड फूड, सिंपल सा। और बताओ, मुझे चॉकलेट पसंद है ये भी सर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने क्या लिखा था? कंटिन्यूस। हाँ जी सर अब समझ में आ गया? ठीक है, और बताओ। हाँ और सर मुझे पतंग उड़ाना पसंद ये बताओ। सर प्रेजेंट इंडेफिनिटी ठीक है, और सर मैंने होमवर्क कर लिया है सर हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों? सर कर चुका हूँ थोड़े टाइम पहले यानी पहले की बात हो रही है, कम अब ये काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका होता है उसे हम परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और फिर सर मैंने दोनों मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ सर दो दिन से घूम रहे प्रेजेंट हो? परफेक्ट कंटिन्यू अच्छा, क्यों? सर ये काम पहले भी मैं घूम रहा था और अभी भी घूम रहा हूँ काम दो दिन से काम चल चल रहा रहा है, है यानी पता इनका काम नहीं कंटिन्यू चल रही है। अच्छा, काम कंटिन्यू चल रहा है और पहले से चल रहा है, ये घूम रहा है यानी काम तो कंटिन्यूस है, और 2 दिन से यानी बहुत पहले से चल रहा है, तो परफेक्ट भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, और यहाँ क्या तुमने खाना खा लिया है ये क्या तुमने खाना खा लिया है? ठीक है, मेरे को इसका समझ नहीं अच्छा, क्या तुमने खाना खा लिया समझ में नहीं आया? इसको अलग से सर्कल कर लो, इसको लास्ट में डिस्कस करें। फिर
सर लास्ट सेंटेंस था वे बचपन से इसी स्कूल में पढ़ रहा है सर, प्रेजेंट परफेक्ट कर। ठीक है सारे हो गए? हाँ जी सर। एक को छोड़कर क्या सेंटेंस है वो वाला, दोबारा से बोलना। क्या तुमने खाना खा लिया है? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने खाना खा लिया है, आप मुझे क्या आंसर दोगे? या तो हाँ या फिर ना। ठीक है, यानी मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आप ऑलरेडी खाना खा चुके हो या नहीं खा चुके, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। तो मैं आपको क्या लगता है मैं किस टेंस की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे? क्या पहले से, मैं ये तो जानना चाहूँ कि आपने पहले से खाना खा लिया कि नहीं खा लिया है? आप क्लास स्टार्ट करने आए तो आपने क्लास स्टार्ट करने से पहले खाना खा लिया है या नहीं खा लिया? तो आपका खाना खाने का काम हो चुका ना, तो ये पास्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं नोट से पढ़ाऊंगा, और जो मुझे अपनी बुक से पढ़ाना है वो है सिंपल इंडेफिनिट। आपकी बुक से जो मुझे पढ़ाना है सिंपल प्रेजेंट, सॉरी आपके में इस वाले चैप्टर में सिंपल प्रेजेंट है ना। हेलो, ये भी गड़बड़ है, लिखा सिंपल प्रेजेंट है, हायर प्रेजेंट इंडेफिनिट। बुक आपके, आप इसे लिख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसको सिंपल काट दो। आपको पता है सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है? नहीं सर। नहीं ना, तो आप लिख लो एग्जाम पे, कैसे मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट मैंने नहीं बताया, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ मिल्क इज वाइट, मिल्क इज मिल्क इज वाइट, यहाँ पर काम आ रहा है क्या, कोई काम है क्या यहाँ पर? हेलो हेलो, हेलो, माइक काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अरे इसमें कोई काम है या नहीं है? नहीं कोई काम नहीं है, लेकिन हमें यह पता चल रहा है, मैंने बोला मिल्क इज वाइट, एक मैं सेंटेंस बोलता हूँ ये वाला, क्या ग्रास वॉज ग्रीन, सर वॉज ग्रीन क्या, घास सूखने का येलो भी हो जाती है, ठीक है ग्रास हो गया, क्या इसमें कोई काम है या नहीं है? नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकल क्या है, इस सेंटेंस के अंदर मैं कोई काम नहीं बता रहा, मैं किसी चीज़ की आइडेंटिटी बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ कैसी थी। तो इनको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, इनको क्या बोलते हैं सिंपल टेंस, इसको क्या बोलते हैं सिंपल, इसके अंदर कोई काम नहीं होता, इसके अंदर कोई काम ही नहीं होता, इसके अंदर कोई काम नहीं होता। तो फिर आप प्रेजेंट पास्ट क्यों लगा देते हैं, प्रेजेंट पास्ट बता लगा देते हैं, फिर नेचर अगर हम प्रेजेंट में बता रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट हो गया, अगर हम किसी चीज़ का नेचर पास्ट में बता रहे हैं तो वो सिंपल पास्ट हो गया। अब फ्यूचर में कोई होता नहीं है, फ्यूचर भी हो सकता है आई विल बी अ डॉक्टर, ये सिंपल फ्यूचर हो जाएगा ये। तो सिंपल का ढंग पता चल गया, सिंपल टेंस वो होते हैं जहाँ पर कोई वर्ब नहीं होते, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं होते, यहाँ पर कोई काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। और तो बाकी आपके पास्ट ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो इंडेफिनिट का मैं आपको एक बार बुक से रीड करा देता हूँ।
डियर फ्रेंड एंड इंडेफिनिट, डियर फ्रेंड इंडेफिनिट, ठीक है। तो इंडेफिनिट कब यूज किया जाते हैं ये मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल फैक्टर आपको बताने हो, 2 + 2 = 4, अर्थ इज राउंड है ना, अर्थ वाला तो नहीं आएगा, मैग्नेट एटलेक्स आयरन फिलिंग्स। तो जब आपको फैक्ट बताने हो, आपको बताने हो फैक्ट बताने हो, तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करोगे। आपको लिखा भी इसको ये है ना, रेपिड एक्शन यानी जो डेली के काम जो होते हैं इसको ने डेली एक्टिविटीज के नाम से लिखाया है। कस्टम हैबिट्स बात एक ही है, ठीक है। एबिलिटीज आपकी कोई काबिलियत आपको बता रहे हैं, आप अपने काबिलियत बताते हैं उस केस में भी, ठीक है। इसको थोड़ा पॉज करते हैं, आप भी ध्यान रखना चाहिए, निकलना चाहिए, इसको हम बाद में सीखेंगे। ओके, इसको हम बाद में सीखेंगे क्योंकि यूजर्स ऐसा बेसिकली। ओके सर, ये फ्यूचर में यूज होगा ये? नहीं नहीं, फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करनी है आज, अगर हमें आज फ्यूचर के बारे में बात करनी है तब इसको यूज होगा। फ्यूचर के बारे में बात नहीं, हम फ्यूचर में बात नहीं कर रहे, हम आज बात करेंगे लेकिन फ्यूचर में कुछ कंडीशन डालकर। तो सर इसको भी हम अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ रूल्स लिखवा दूँ, आपके बुक में तो बहुत इजी दिया हुआ है, पर मेरे को थोड़ा आपको कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कराने के टेंस हो जाए, अच्छे से हो जाए। अब टेंस में मैंने आपको इतना कराया था, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था मैंने, वो मैंने लिख अब वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कि टेंस के तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली, जो तीन टाइप्स भी होते हैं उसको, टाइमिंग होती है बेसिकली तीन तरह की, एक आज के, एक कल की और एक आने वाले कल की, है ना। तो इसको ना फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो प्रेजेंट में अगर हैबिट्स बतानी है तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस काम बताना है तो कंटिन्यूस, कुछ टाइम पहले ही हुआ है तो परफेक्ट, क्योंकि काम अभी भी चल रहा है लेकिन पहले स्टार्ट हुआ था तो परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आप एक क्लासिफिकेशन आप बना लो अगर आपके बुक में नोटेड है तो, नहीं है तो फिर यहाँ पर एक जगह पर एक चार्ट आप बना लो, नहीं है तो जगह आपको कैसे चाहिए होगी चलो मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है, आपको एक चार्ट आप बना लेना है यहाँ पर। अगर आपके पास तो ये चार्ट बना हुआ है चलो मैं बता ही बनवा देता हूँ एक छोटा सा, है यहाँ पर लिखो टेंस, ठीक है। तो टेंस के नीचे लिखो तीन चीज़ें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। इसको ही फर्दर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इन सभी को मैं कह सकता हूँ इन सभी के सेमी क्लासिफिकेशन होंगे, ठीक है। इंडेफिनिट एक होता है, एक इंडेफिनिट होता है, एक कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक परफेक्ट होता है, ठीक है, एक परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। फिर इन सबका एक और क्लासिफिकेशन, इन सबको और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो बेसिकली आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये टाइमिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या है आपका, हो सकता है आपको सिंपल नॉर्मल सी बातें करो कर रहे हो, अफर्मेटिव बातें कर रहे हो आप, है ना, अफर्मेटिव बातें कर रहे हो, आपको सकता है यस और नो वाली, यस वाली केवल, है ना, अफर्मेटिव बातें करो यस और नो वाली, ठीक है। हो सकता है आप इसको मना कर रहे हो, आपका बिहेवियर है कि आप किसी को ना वाली बात कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में दो तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन को बेसिकली हम लिखते हैं, क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव, क्या लिख सकते हैं, इंटेरोगेटिव, है ना, इंटेरोगेटिव, है ना,
ये तीन होते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर इंटायर ग्रेड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि आपने खाना खा लिया, आप सिंपल से येस और नो में आंसर दोगे। तो सिंपल आंसर, सिंपल इंटरोगेटिव, तो पहले तो मतलब सिंपल सर सर्टिफिकेट नहीं, सिंपल डूडस वाले, हेजर वाले, इजेमर वाले, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो किससे स्टार्ट होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैंने पूछा आपने होमवर्क, आपने खाना खा लिया, आप बोला नहीं, फिर मैं पूछा क्यों नहीं खाया, तो उसमें आप सिंपल येस और नो में आंसर नहीं दे सकते, उसमें आपको मुझे रीजन देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव। तो ये बेसिकली तरीके के टेंस होते हैं, तीन तरीके के मेन टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर तीन के अंदर फिर फर्स्ट चार होते हैं, तीन चौक 12 हो गए, फिर उन 12 के अंदर फिर एक दो तीन चार मान लो, चार तरीके के होते हैं, यानी 48 काइंड्स के आपके क्या हो गए, टेंस हो गए, 1248, 12 4 जा 48, तो 48 काइंड्स के टेंस होते हैं अगर हम प्रॉपर देखें तो, प्रॉपर बैंक बनाकर, ठीक है। लेकिन आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको अगर फ्यूचर वगैरह सारे हुए तो तीनों तरीके के आपको सही, उसमें तो आपको 48 लगेंगे नहीं, आपको लगेगा सर ये तो 48 है, ये तो रूल तो सेम ही है सभी के, रूल तो सेम ही है, बस आपको बस चार तरीके के याद रखने होंगे। कौन से चार तरीके के? ये फोर बार बस आपको चार रूल से याद करने, बाकी तो सर कहोगे सर बाकी सब तो सेम है, बाकी सब तो सेम है, वो मैं सभी को पढ़ाऊंगा कि आपको लगे सेम ही है, ठीक है। ये चार्ट आपने ड्रॉ करिए कर लो, ठीक है। दो सेकंड रखना जरा, आप एक आपस ढूंढ सकते हो बेसिकली, ऊपर हेडिंग लिख लो प्रेजेंट टेंस, एक नेक्स्ट पे से स्टार्टिंग करो बेसिकली, प्रेजेंट टेंस है ना, एक ऐसे चैप्टर बना करके प्रेजेंट टेंस का चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिकली। अभी तक हमने पढ़ा एक टेंस के बारे में जनरल गाइडलाइंस पढ़ी थी बेसिकली, अब प्रॉपर में एक चैप्टर की तरह आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो अभी आप देखो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर नीचे उसके अंदर लिखो ये हेडिंग बनाकर इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ए हेडिंग बनाकर लिखो, ए हेडिंग का नाम दो ए, और उसके आगे लिखो ए बुलेट का नाम दो बुलेट ए, और आगे लिखो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। लिखने अब उसके पीछे, उसके नीचे ना चार चीजें नोट कर लो, किसके लिए ये किस किस केस में यूज किया जाता है, करेंट हैबिट, डेली एक्टिविटीज, लाइक्स डिसलाइक्स, ठीक है। और फैक्ट, एक फैक्ट मैं यहाँ पे लिख लेना, ये लिखो कि कब कब की ये यूज किया जाता है ना, इनडेफिनिट टेंस बेसिकली में क्या किसी बताता है, हो गया। अब इसमें दो तीन लाइन की जगह स्पेस छोड़ दो, हम ये इफ वाला करेंगे और एक दो पॉइंट दिमाग में आएंगे तो वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो दो तीन लाइन का स्पेस छोड़ दो और लिखो, लिखो ए वन करके लिखो, ए वन वो बुलेट का नाम है, ए वन, ए वन है ना, ए और वन है ना, और वहां पर हेडिंग लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस,
अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लिया। अब उसके आगे, अब उसके नीचे एक लाइन का स्पेस छोड़कर अब एक को ये फॉर्म लिखते हो। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, आप फुल फॉर्म ही लिखना, ठीक है? बाद में सारे कंपोनेंट्स से करके समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट लिख लिया, फिर मेन वर्ब लिख लिया, फिर लिखो प्लस लिखो एस ई एस, एस ऑब्लिक ई एस, एस ऑब्लिक ई एस, हाँ ऑब्लिक मतलब वो स्लैश वाला सिंबल, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। पापा फोन आ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हो गया प्लस मेन वर्ब हो गया प्लस एस ई एस हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? इसके आगे ना आप पांच एग्जांपल देने के लिए अफर्मेटिव के पांच एग्जांपल, दो एग्जांपल देने के लिए दो जगह काफी है। दो दो लाइन का स्पेस छोड़ दो, कंटिन्यूस है ना, दो लाइन का स्पेस छोड़ दो, ठीक है? फिर थर्ड लाइन में ये वो लिखो ए टू करके, ए टू करके हेडिंग लिखो। अब मैं नेगेटिव के बारे में लिखूंगा, ए टू लिखो, ए टू लिखो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान सुना मैं क्या बोला, मैं यहाँ पर नेगेटिव टेंस नहीं बोल रहा, मैं नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूँ। टेंस तो बेसिकली ऊपर की जो दो दो ब्रांचेस बनवाई थी ना, बस वो टेंस होती हैं। नीचे वाले तो हमारे कहने के बिहेवियर को डिपेंड करते हैं, तो बिहेवियर सेंटेंस से रिप्रेजेंट होता है और टाइम टेंस से रिप्रेजेंट होता है। जैसे नेगेटिव के अंदर ये फॉर्मूला लिखो, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज। ऑब्लिक का मतलब यहाँ पे है या तो डू लगेगा या फिर डज लगेगा, कोई एक ही लगेगा, है ना? डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, है ना? मेन वर्ब। अब देखो ऊपर दोनों यहाँ पे लिखना, मेन वर्ब, मेन वर्ब के आगे एक चीज लिख लेना ऊपर ऐसे, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है ना, दोनों जगह पे ऐसे यहाँ पे भी लिख लेना, वहां पे भी लिख लेना, मेन वर्ब के ऊपर, बी के ऊपर लिख लेना, वर्ब के ऊपर फर्स्ट फॉर्म। लिख लो तो मुझे बताते जाना। लिख लिया, इसके नीचे भी दो एग्जांपल्स के लिए दो लाइन का स्पेस छोड़ दो। और थर्ड कैटेगरी पे आओ, A3, A3 उसकी हेडिंग लिखो सिंपल इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरव्यू लिखे, उसके नीचे एक लाइन कैसे छोड़ के रूल लिखो ये वाला, डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज। हाँ आपको स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ जी सर। हाँ डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस ब्रैकेट में नॉट, यहाँ पे सर वैसे नॉट ही लिखवाना है, ब्रैकेट में। ब्रैकेट मतलब क्या हो सकता है? इंटरोगेटिव में भी नॉट आ जाएगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो अगर है तो ही नॉट आएगा, अगर नहीं है तो नहीं। प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब के ऊपर वही लिख लेना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? और मेन वर्ब के बाद देखो फिर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। लिख लिया? हाँ जी सर। और लास्ट में लगा क्वेश्चन मार्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, है ना?
इसके नीचे भी दो लाइन का एग्जांपल छोड़ दो, ठीक है, और थर्ड लाइन पे लिख लो एक थर्ड या फोर्थ लाइन पे लिख लो A4 करके, हाँ A4 A4 करके, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, ठीक ठीक है। अब इसके नीचे फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डूडल प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इतना कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ आपको क्या क्या नहीं पता, जो जो नहीं पता वो हम लिख चलेंगे और जो पता होगा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट क्या होते हैं? हाँ हाँ बताओ फिर मुझे क्या होते हैं। मतलब जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, राम को सेब पसंद है, तो किस चीज के बारे में बात हो रही है सेंटेंस के अंदर? सेब के बारे में, तो क्या सेब सब्जेक्ट है यहाँ पर? नहीं, आपको तो पता है कि इसके सब्जेक्ट क्या है, क्या है सब्जेक्ट इसके अंदर? राम हाँ लेकिन आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, छोटा ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं लिखवाऊंगा, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से चीज आएगी। ये मैं सोचा सर कि आप लिखवाओगे सब्जेक्ट जैसी चीजें नाइन्थ क्लास में, बारहवीं जैसी चीजें नाइन्थ क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को नहीं आती है एग्जैक्ट अच्छी तरह से, एक क्लास ज्यादा लगेगी, एक क्लास ज्यादा लगेगी, लेकिन अच्छे से आएगा, तो सोचोगा ट्राई करो, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीखने के लिए बैठेंगे हम यहाँ पे। ट्राई करूंगा समझाने का। गूगल वगैरह मत करना, बस इतना बस करना। सब्जेक्ट मेरे हिसाब से वो चीज जिसके बारे में कुछ बात मतलब बता रहे हैं। इसके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। राम ने सोहन की बुराई की, राम ने सोहन की बुराई की, तो राम ने सोहन के बारे में बताया, ठीक है, तो क्या इसके अंदर सोहन सब्जेक्ट है? नहीं सर, नहीं, यानी जो आप कह रहे हो वो नहीं है ना, मैंने एग्जांपल आपको वही दिया ना जो आप कह रहे हो, एग्जांपल तो मैं उसी चीज का कह रहा हूँ ना जो आप कह रहे हो, मतलब तो थोड़ा उस तरीके से कहो जो आप मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर सको।
एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना ध्यान से, थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, ध्यान से सुनना एक बार में, ठीक है। इंग्लैंड के विक्टोरिया पैलेस में रानी अवंतिका बाई के महल में एक सोल्जर आया। इंग्लैंड के विक्टोरिया पैलेस में, इंग्लैंड के विक्टोरिया पैलेस में रानी अवंतिका बाई के सामने एक सोल्जर आया। अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैं बोलूं दोबारा से, आप रफ पेज पर लिख लो इसको बेशक, आप दोबारा बोलूं। इंग्लैंड इंग्लैंड के विक्टोरिया पैलेस में, इंग्लैंड के विक्टोरिया पैलेस में इंग्लैंड के विक्टोरिया पैलेस में रानी अवंतिका बाई के सामने, रानी अवंतिका बाई, अगर आपको लिखना नहीं आ रहा किसी भी रानी का नाम, तो रानी देवांशी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लैंड के विक्टोरिया पैलेस में रानी अवंतिका बाई के सामने एक सिपाही आया, एक टीचर आया, कुछ भी लिख लो, मतलब मेरा समझाने का मतलब सब्जेक्ट से, मैं कोई स्टूडेंट लिखवा रहा, एक सिपाही आया, ठीक है। इंग्लैंड के विक्टोरिया पैलेस में रानी अवंतिका बाई के सामने एक सोल्जर आया, एक सिपाही आया, ठीक है, लिख लिया ये। अच्छा अब इसमें आइडेंटिफाई करके दो सब्जेक्ट क्या है। क्या हुआ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? समझ नहीं आ रहा। अच्छा समझ नहीं आ रहा, 9th क्लास में हो आप, सोचो सब्जेक्ट नहीं पता आपको, अब सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, आपकी छोटी वाली कजिन पढ़ रही होगी, सब्जेक्ट वर्ग के होते हैं, उसके सिलेबस का पार्ट है ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है आप मुझे बता सकते हो? सर सर वर्ग इसमें है ही नहीं। वर्ब इसमें है ही नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये बिना वर्ब का सेंटेंस है, यानी कि तो सिंपल टेंस हो जाएगा, कोई सा भी या तो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, तो सिंपल टेंस हो गया मतलब ये है ना, अगर वर्ब है नहीं तो। चलो ठीक है, ना सब्जेक्ट है इसके अंदर ना वर्ब, नहीं सब्जेक्ट तो मिल ही रहा, वर्ब है नहीं। अच्छा और कुछ है इसके अंदर, कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह हो शायद इसके अंदर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट क्या? से भाई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वेरी गुड। और फिर कॉम्प्लीमेंट वगैरह बचा इसके अंदर, जो रिमेनिंग बचा वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। बहुत को बाद में दीवान से याद आ गई। चलो सब्जेक्ट का अब एक जगह पे ये आपने चारों रूल्स तो लिख ही लिए, एक जगह पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल लिखकर एक हेडिंग बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, कुछ ऐसा कुछ लिख के मीनिंग डेफिनेशन कुछ भी लिख के हेडिंग बना लो, वहाँ पर मैं आपको सभी के मीनिंग लिखवाता हूँ। फिर इसी एग्जाम्पल पर वापस आते हैं, फिर पता करते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो यानी आपको मैंने एग्जाम्पल का खतरनाक इसलिए दिया, अगर मैं एग्जाम्पल नहीं देता और आपको सब्जेक्ट का वर्ब का मीनिंग लिखवाता, आपको लगता है कि सर टाइम वेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि इसको मैं आती है, तो मैं चाह रहा था कि आपको रियलाइज हो
ये चीज अभी हमें नहीं आती है। कुछ चीज हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से आती हैं पर नहीं आती हैं, क्योंकि उन्हें जिस लेवल पे आपने ये पढ़ा था उस लेवल पर जब आपको थर्ड सेकंड फोर्थ क्लास में जैसे सिखाया गया था सब्जेक्ट, तब इतने बड़े बड़े सेंटेंस आपको नहीं सिखाए गए थे, तब छोटे छोटे सेंटेंस लेकर आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सिखाया गया था। हाँ या ना, तब बड़े कभी हमें प्रैक्टिस कर ली। तो सब्जेक्ट पहला पॉइंट लगाकर अब यहाँ पर लिख लो, पॉइंट वन करके, पॉइंट वन लिख लो सब्जेक्ट का मीनिंग लिखते पहले, सब्जेक्ट लिखो। तो लिखो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट इज द पर्सन, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, थिंग मतलब हो सकता है इंसान के लिए आपको जानवर भी हो सकता है, ठीक है, बर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म एनी वर्क, दैट परफॉर्म एनी एक्शन, यानी सब्जेक्ट वो है जो कोई काम करता है, सब्जेक्ट वो इंसान या वो चीज है जो सेंटेंस के अंदर दिया हुआ काम करती है, ठीक है। सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म एनी वर्क या दैट परफॉर्म एनी एक्शन, ठीक है, लिखा। इसको आप एक और नेक्स्ट टाइम देखो, सब्जेक्ट इज इक्वल टू, सब्जेक्ट इज इक्वल टू, सब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये लिखो। मैं देखा नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ, आपका ये समरी वाला पॉइंट कहाँ गया, कहाँ गया, छोटा हो गया, मैं भी थोड़ा नीचे आ जाता हूँ ना। आपने पहला पॉइंट लिखवाया सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट इज इक्वल टू लिखो डूअर, कैसे लिखना है, डू डू मतलब कोई काम, डू मतलब किसी काम को कहते हैं डू, और काम करने वाले को डूअर, डूअर काम करने वाला, काम काम करने वाला, डूअर मतलब क्या, काम करने वाला, तो सब्जेक्ट मतलब क्या, काम करने बाद जो कि काम करता है। अब इससे एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सब्जेक्ट मतलब वो जो कोई काम करता है, जैसे अगर हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना तो पहले हमें काम भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें काम भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो काम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले हमें। तो दूसरा लिखो वर्ब, और इसको वर्ब में इसको लिखना मेन वर्ब, क्योंकि जिस काम की बात कर रहा हूँ मेन वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। देखो वर्ब इज द, इसको लिखो मेन वर्ब इज द, मेन वर्ब इज द, मेन वर्ब इज द एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड मतलब क्या, एक्शन मतलब, अरे ये एक्शन भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक किसके अंदर वर्ड आता है एक्ट, और इसके अंदर आ जाता है आई यू एन, जो कि बेसिकली इसको नाउन बनाया गया आई यू एन लगाकर। तो एक्ट मतलब क्या, कोई भी काम करना, एक्ट मतलब कोई काम करना, यानी बेसिकली मैं कहूँ तो मैंने वही लिखवाया, वर्ब मतलब क्या, काम करना, वर्ब मतलब क्या, काम बेसिकली, काम करना नहीं, काम बेसिकली, काम करना हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में काम करना कैसे मालूम पड़ेगा सर, काम कैसे पता चलता है, तो काम मतलब सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, सेंटेंस के अंदर कुछ ना मूवमेंट हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हो रही होगी, एक्शन मतलब क्या, कोई एक्टिविटी तो हो रही होगी सेंटेंस के अंदर, कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो हो रही होगी। उस एक्टिविटी को जो वर्ड डिफाइन कर दे, उस एक्टिविटी को जो वर्ड डिफाइन कर दे, वही वर्ड हमारा वर्ब होता है, वही वर्ड हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, सोहन ने गाना गाया, सोहन ने गाना गाया, इस सेंटेंस के अंदर एक्ट क्या हो रहा है, गाया, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, गाया, तो गाया, काम क्या हो रहा है, गाया, तो गाने को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, वर्ब, यानी इसके अंदर जो वर्ब होगी बेसिकली क्या होगी, गाया, क्या होगी, गाया वर्ब होगी हमारे अंदर, क्या होगी, गाया वर्ब। और ये गाया, ये जो गाने का जो काम क्या है बेसिकली, ये किसने किया है,
इस काम को किसने किया है? सोहन ने। तो सोहन हमारा कौन बन जाएगा? सब्जेक्ट। सोहन हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, एक लिखो ऑब्जेक्ट। इसके बारे में बात बिल्कुल, जो आप इंग्लिश में बता रहे थे, ये आप हिंदी में लिख लो। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये आप हिंदी में लिख लो। हिंदी में इसलिए करो कि आपको ऑलरेडी पता है, आपने इंग्लिश 4 बार बोल दिया। ये ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। आप स्टेप ये लिख लिया हो तब बता, मुझे बताना। ठीक है, लिख लिया। अब वो पीछे वाले एग्जाम्पल वापस आ जाओ, अभी कुछ नहीं बताना आपको, बस एग्जाम्पल वापस आ जाओ, एक बार उसको पढ़ लो, बस एक बार ध्यान से, आपको कुछ बताना नहीं है, बस एक बार उस एग्जाम्पल को दोबारा से पढ़ लो। रानी अवंतिका बाई जो भी थी, पढ़ लो एक बार जरा। ठीक है, अब पढ़कर मुझे बताना कि आपने पढ़ लिया या नहीं पढ़ा। पढ़ लिया, ठीक है, मुझे कुछ मत बताना, हो सकता है आपको आंसर पता भी चल गया, पर मत बताना, क्योंकि तरीके होते हैं समझाने के, तरीकों से ही समझ में आता है। मैं अगर आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट का मीनिंग याद करना, सीधे आंसर मत बताओ। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, तो पहले काम पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? तो मुझे अब ये बताओ, फिर सेंटेंस में काम क्या है? ये इतना बड़ा सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या काम हुआ है? इस सेंटेंस में क्या काम है, क्या एक्टिविटी हुई है? क्या एक्टिविटी हुई आप लिख सकते हो उसके आगे? एक्टिविटी आया आया, आने का काम इसके अंदर हुआ। इसके अंदर कौन सा काम हुआ? पहले कोई काम आपको, तो पहले कोई काम दिख ही नहीं रहा था इसके अंदर, आपने उसका कोई वर्ब है ही नहीं, आपने बोला था नहीं बोला था आया। अब ये आने वाला काम किसने किया? कौन आया था? सोल्जर। सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब भी मिल गई। कुछ कुछ बुक्स में या कुछ कुछ टीचर से रटा देते हैं, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो लिखा हो वो वर्ब वो सब्जेक्ट होता है। मैंने तो सब्जेक्ट ना लास्ट में भेजा है, सेंटेंस के एंड में भेज दिया। क्या आप ये तरीका रटना चाहोगे कि सब्जेक्ट की सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो लिखा हो तभी सब्जेक्ट होता है? क्या आप इस तरीके को रटना चाहोगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 99% केसेस में ये बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब स्टोरी राइटिंग पर आते हो, बड़ी बड़ी बातें लिखते हो, तब हो सकता है ये ना लिखा हो, तो हमें गलत तरीके पर जाने नहीं है। आप लॉजिकल ही जाओ, लॉजिकल। ठीक है, और फॉर सेंटेंस में बेसिकली ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर किसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। सोल्जर किस, सोल्जर आया किस रिगार्डिंग आया, कुछ लिखा ही नहीं मैंने। सोल्जर किस चीज़ के रिगार्डिंग आया, कुछ लिखा ही नहीं हमने। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट पता चल गया, मेन वर्ब पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया। आपको कुछ पूछें तीन चीज, इन तीनों से रिलेटेड कुछ आपको? नहीं, तो आपको पूछना चाहिए ना, इसे आपने लिखा है मेन वर्ब, तो सब वर्ब कौन कौन सी होती हैं? अगर आपने मेन वर्ब बोला तो वर्ब कौन कौन सी होती हैं? एक और होती है हेल्पिंग वर्ब, लिखो यहाँ पर। एक और होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ना, लिखो। हेल्पिंग वर्ब आर दोज वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब आर दोज वर्ड्स विच डिफाइन द टाइम, विच डिफाइन द टाइम ऑब्लिक पीरियड ऑब्लिक टेंस। देख लिया, हेल्पिंग वर्ब आर दोज वर्ड्स विच डिफाइन टाइम ऑब्लिक पीरियड ऑब्लिक टेंस। ठीक है, और नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में, हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू टाइमिंग वर्ब, टाइमिंग वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो टाइम बताए। अच्छा, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट,
तो यहाँ पे इज था, इज टाइम ही तो बता रहा है कि मैं अभी घास की बात अभी कर रहा हूँ, मैं पास्ट में नहीं कर रहा था। राम इज अ डॉक्टर, राम अभी भी डॉक्टर है, मैं पेरेंट की बात कर रहा हूँ। जो इज एम आर जो है, जो इज एम आर है, ये क्या करते हैं? इज एम आर बॉस बॉस बिल से भी क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं? हाँ, टाइम। तो इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल में आप लिख रहे हो, जितनी भी होती है मैं सारी लिखवा रहा हूँ। एग्जाम्पल में सारी लिखवा रहा हूँ, सारी लिखो। हेडिंग लिखो प्रेजेंट, तो आपको ये पता चल जाएगा प्रेजेंट में कौन कौन सी आती हैं, वैसे आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। देखो प्रेजेंट में लिखो इज एम आर, एग्जाम्पल में है ना, एग्जाम्पल में हेडिंग डालो प्रेजेंट, फिर वहां पर लिखो इज एम आर, फिर लिखो पास्ट में, सॉरी है ना, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट में इज एम आर हो गया, फिर लिखो हैज और हैव, कॉमा लगाकर लिखो हैज हैव, लिखो पास्ट, पास्ट में लिखो वॉज वर हेड, सर वो ऐसा आपने कितने बताया था? हैज है बताया था प्रेजेंट में, इज एम आर हैज हैव, ठीक है, पास्ट में लिखो वॉज वर और हेड, ठीक है। अब नीचे लिखो मॉडल वर्ब्स, इनको लिखो मतलब एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में लिखो मॉडल वर्ब्स है ना, एग्जाम्पल में मतलब ये इनका कोई टाइमिंग नहीं होती है, टाइमिंग कुछ भी बता सकते हैं, कभी प्रेजेंट भी बताएंगे, कभी पास्ट भी बताएंगे, कभी फ्यूचर भी बताएंगे, जैसे कि मे माइट है ना, कैन कुड वुड सुड वुड सुड कैन कुड मे माइट वुड सुड हो गया, और टू ओ यू जी एच टी टी ओ यू जी एच टी टी ओ और टू, ठीक है। और क्या रह जाएगा आपके हेल्पिंग वर्ब में, और कुछ रह जाएगा आपका, आपका सारा हो गया ना। और एक लिख लो बी, बी ई है ना, सिंपल सा बी, ठीक है, ये बी और ई, सिंपल सा, सिंगल बी सिंगल ई, ठीक है। यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ड पता चल गए, मेन वर्ड पता चल गई है ना। पता चल गया, नहीं पता चली, ठीक जी सर, है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रफ पेज पर लिखो, एक यहीं पे लिखो, आपने लिखी नहीं होगी, यहीं पे एग्जाम्पल लिख, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के नीचे लिख लो, एक मतलब एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ बेसिकली मैं वर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो एक सेंटेंस देखो हिंदी में दे रहा हूँ, राम किताब देने आया, राम मुझे किताब देने आया, राम मुझे किताब देने आया, और सही करना है इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, राम मुझे कल किताब देने आया था, अगर थोड़ी जगह हो तो वहां पे एडिशन कर लूँ, राम मुझे कल किताब देने आया था, लिख लिया। पहली बात तो मैं ये नहीं पूछा कौन से मेन वर्ब है, कौन से हेल्पिंग वर्ब है, मुझे बस सेंटेंस में ये बताओ इस सेंटेंस में काम कितने हैं, इस सेंटेंस में कितने काम हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 कितने काम हो रहे हैं बेसिकली, बल्कि शुद्ध हिंदी में अपने नॉर्मली आइडेंटिफाई करो काम कितने हैं, क्या काम हो रहा है, दो सर, दो काम हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो राम घर से आया और साथ यानी आया, पूरा सेंटेंस में बोला कर बोलो काम, तो आया सिंपल सा वर्ड वो वाला, मैंने कौन सा, अगर आप बोलो राम घर से आया तो राम घर से पूरे वर्ब हो जाएगा, लेकिन वर्ब क्या होती है, केवल वो एक्शन वर्ड, केवल वो एक्शन वर्ड, वो वर्ड जो किसी एक्ट को डिफाइन करता है, बस वही वर्ब होती है, तो आया, और कौन सी वर्ब है, और सर देने, किताब वो लाया, लाया, लाया कहाँ से आ गया, किताब किताब लाया देने आया बोला है ना मैंने, तो देने किताब देने आया, क्या आपने क्या लिखा है, सर, मैंने गलती से लाना। हाँ ये लिखो, राम मुझे कल किताब देने आया,
राम मुझे कल किताब देने आया था। तो इसमें क्या क्या वर्ब है? आया और देने। आया और देने, यानी एक तो वो आया और दूसरा देना है, यानी दोनों ही काम है। आना भी काम है, आने में भी हम मूव करेंगे थोड़ा सा, और देना है यहाँ पे मूवमेंट होगा, तो ये हमारा एक्शन वर्ब वर्ड हो गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ दोनों में से मेन कौन सा है। अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम जो सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पे, जैसे प्रिंट इंडेफिनिट की बात हो रही, तो प्रिंट इंडेफिनिट में मैंने एस ई एस के साथ लगवाया है, मेन वर्ब के साथ तो लिखवाया है, जो मेन वर्ब वर्ब होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ो, तो वहाँ पे एस ई एस हम किसके साथ लगाते हैं, मेन वर्ब के साथ। अगर आप किसी और वर्ब के साथ लगा दोगे तो टेंस गलत हो जाएगा। तो बताओ फिर यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है। हमारा मेन डिस्कशन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करें मेन वर्ब कौन सी है। आप मुझे जरा बताओ, और थोड़ा दिमाग लगाकर। देने। देने। देने मेन वर्ब है। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई किया, कोई बेस था आपका इसके पीछे, या आपने ऐसे मन किया तो आपने देने वाला बोल दिया। मेन पर्पस का किताब देने आना ही था। मेन पर्पस का किताब देने आना था, ठीक है, लेकिन मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि मेन पर्पस का किताब देना था। मेन पर्पस का क्या था, किताब देना, लेकिन किताब देने के लिए जो से इम्पोर्टेंट काम करना था वो तो आना था। किताब देना भी कब उसका सक्सेसफुल हो पाएगा, जब आपके घर पे आएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर क्या हुई, आना, पहले तो आना पड़ेगा उसे, तभी तो किताब दे पाएगा। क्या मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकता हूँ, है ना। अब आपको इतना डिफिकल्ट हो गया हमें आइडेंटिफाई करना, अगर लॉजिकली बोलूं तो हाँ, बट आप कहोगे कि सर मैं आज तक ट्यूशन से पढ़ाऊँ, किसी तरह डिफिकल्ट तो नहीं बनाया इस टॉपिक को। मैं आपको इजी बता देता हूँ, मैं आपको लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक कैसे लगाएंगे, पर आपको इसमें जाना नहीं है क्योंकि तो टाइम वेस्ट वाली बात है। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी को समझाना है तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उससे मेरे को समझाना, समझा किसी को नहीं है, मुझे खुद समझना है और पेपर में सॉल्व करना है। तो सिंपल ट्रिक, सिंपल ट्रिक, सिंपल ट्रिक, एक यहाँ पर एक चीज होती है, यहाँ पर अब एक चीज होती है, फिर चीज लिखो इन्फिनेटिव, यहाँ पर लिखो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है ना। इसका पहले मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, राम मुझे कल किताब देने आया था, किताब देने आया था, किताब देने आया था। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया था अभी, ये आपको पता चल गया सर, ये वाले और ये वाले, ये दोनों ही क्या है, वर्ग है, ये दोनों ही क्या है, बराबर। वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है, दोनों ही क्या है, वर्ग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसी वर्ग जिसके लास्ट में ना नी ने लगा हो, ना नी ने लगा हो, यानी ना वाला वर्ड लगा हो, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, एक बार की बात है, आपने मुझसे पूछे भी थे जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, आपने सेवेंथ क्लास में मुझसे सीखे भी थे बीच बीच में आकर, उस टाइम भी आपको इन्फिनिटिव को आपको पढ़ाया था, उस टाइम पर आपके सिलेबस में भी था, पता नहीं मैंने आपको समझा नहीं समझाया, उस टाइम पर भी था। आपको अगर कुछ याद आया हो तो इन्फिनिटिव को हम टू से कनेक्ट करते हैं, याद है,
तो जिस वर्ब के आगे ना न्यूने आता है उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। यानी कि सर अब क्लियर हो गया सर, ये तो इन्फिनिटिव निकला, तो मेन वर्ब तो फिर ये बची केवल, फिर मेन वर्ब कौन बची? ये। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल सा ये तरीका लगा लो कि ना नी ने जिस वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं? इन्फिनिटिव होते हैं। और इन्फिनिटिव को कनेक्ट किससे किया जाता है? टू से। क्या मैं लिखूं ना नी ने से आते हैं, फिर आप सर्कल बनाकर लिख लो, कनेक्ट ऐसे ड्रॉ कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, आता है। आ जाएगा ना? हाँ, क्योंकि ना नी ने मैं हिंदी में लिखाऊंगा थोड़ा अजीब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं है आपको? अब ये देख लो एक बार जरा, कुछ पूछा तो नहीं है आपको मुझसे ज्यादा? ठीक है, अब आप मेरे ख्याल से वो अवंतिका वाइब सारे एग्जांपल कर सकते हो अभी, वो भी क्या आई थिंक हमारे बताओ ने पूछ लिया, डिस्कस कर भी लिया है ना। अब मैं सभी के आगे एक एग्जांपल लिख लूं, मैंने आपके सभी के आगे दो दो लाइन छोड़वाई थी ना, आ जाओ वापस उस जगह पर और एग्जाम्पल लिखना, नोट करो, स्टार्ट करो। मैं हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में कन्वर्ट तो आप ही को करनी है। ठीक है, ठीक है, तो पहला आपका है अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव का लिखो, गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। तो दो ही लाइन छुड़वाएंगे ना आप, छोड़िए ना आपने केवल। ठीक है, यानी एक लाइन में आपने क्वेश्चन लिख लिया, एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, गाय घास खाती है, किसका एग्जाम्पल हो गया। नेगेटिव पर आ जाओ, गाय घास नहीं खाती, गाय घास नहीं खाती। गाय घास नहीं खाती, लिख ले नेगेटिव वाला भी। आप ठीक इंटरोगेटिव पर, सिंपल इंटरोगेटिव पर। ठीक है, क्या गाय घास खाती है? इसमें मेरे को एक डाउट, वो डाउट अभी सेकंड क्वेश्चन मेरे को पूछ लिखने वाले हैं, तो उसके बाद पूछना। ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि अब क्या पूछोगे? एक बार मेरे को दूसरा लिखवाने दो, पहला आपने क्या लिखा, क्या गाय घास खाती है, क्वेश्चन मार्क है ना, लिख लिया ये वाला। हेलो, हाँ जी जी सर, ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड वाले में लिखो, गाय क्या खाती है? गाय क्या खाती है? आप बताओ, क्या डाउट पूछ, आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर ये जो सेंटेंस आपने दिया था, क्या गाय घास खाती है, अब सर अगर हम तो मतलब इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो प्लस डस के आगे सर हमको फिर आ लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, किस लिए लगाओगे आप? क्योंकि सर डस आओ ईट्स ग्रास सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। सेंट तो अभी भी सही है भी नहीं बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊँ तो। ठीक है, दूसरा डज अ काउ भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर डज अ काउ लिख सकते हो, डज अ काउ, दा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, डज अ काउ आप लिख सकते हैं, आप डज काउ भी लिखोगे तो अभी सही है, यहाँ पर डज काउ भी लिखोगे तो अभी ठीक है यहाँ पर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम ए और एन लगाते नहीं है आर्टिकल्स, अगर आपको याद हो, जब हम पूरे ग्रुप जी को या पूरे कैटेगरी को उनके क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम आ नहीं लगाते हैं,
ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंगल काऊ के बारे में बोलना चाहोगे तो आप आ लगा सकते हो। ठीक है, किस सेंटेंस में लिखा ही नहीं कि एक गाय को का पसंद नहीं है, मैं बोलो गाय को। तो डज काऊ भी लिखोगे तो भी ठीक है, डज अ काऊ भी लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल वाला इशू है ही नहीं, आर्टिकल्स वाला इशू तो बाद में देखा जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल आपने लिखे, इनके आंसर बना लोगे या मैं बनवाऊँ? सर मैं बनाई बना लिया तो पूछूंगा बाद में, मैं चाह रहा हूँ कि अभी हमारे पास टाइम है, ये वो कंटिन्यूस वाले और ख़त्म कर दें ताकि मैं आपको बुक की एक्सरसाइज भी दे सकूँ साथ में, है ना। तो जैसे आपने अफर्मेटिव के अंदर ए डाला था, अब यहाँ पर हेडिंग बी लिख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट वगैरह समझाने की जरूरत है नहीं, है ना, अभी हमारे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बी लिखो, सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, है ना। तो इसमें बी वन लिखो, अफर्मेटिव सेंटेंस। बन में क्या लिखना है? अफर्मेटिव बी वन में लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बी वन में। हेडिंग में हमारी चर्चा लेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, है ना, वो सिंपल ही से लेंगे। आप सिंगल अब इस अफर्मेटिव का रूल लिखो नीचे आके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, है ना, प्लस प्लस लिखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी एम बी लिख लो या मेन वर्ब लिख लो, ऊपर लिख लो फर्स्ट फॉर्म, है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखो इसका, अब मैं इस पेज से छुड़वा रहा हूँ, मैं सीधा एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है, ठीक है, एक लाइन का स्पेस पे छोड़ दो सॉल्यूशन के लिए, दो लाइन छोड़ दो बेसिकली, फिर नीचे लिखो बी टू नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस आपने लिख लिया, ठीक है। ठीक अच्छा है, अब इसका सब इसका रूल लिखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लिया, एग्जाम्पल लिखो, गाय घास नहीं खा रही है, आप एक चीज नोटिस करना, आपके बुक में जो क्वेश्चन पूछे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, मैं वो आपको पढ़ा ही नहीं रहा, मैं आपको कुछ और ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप ये पढ़ने के बाद उनको इजीली सॉल्व कर दोगे, मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसका एग्जाम्पल भी आपने लिया, दो लाइन का स्पेस छोड़ के फिर लिखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। इसका रूल लिखो, सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस
प्लस ब्रैकेट में लिखो नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क एग्जाम्पल लिखो क्या गाय क्या गाय चने नहीं खा रही है। क्या गाय चने नहीं खा रही है। चने बोला इस बार मैंने, घास नहीं बोला, ठीक है। क्या गाय चने नहीं खा रही है। क्या गाय चने नहीं खा रही है। क्वेश्चन मार्क इंटरव्यू इंटरोगेटिव तो लिख लिया है ना। अब आता क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस बी फोर करके। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख लिया। इसका नीचे रूल लिखो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क एग्जाम्पल हो। गाय क्या नहीं खा रही है। नहीं ये मजे मत हो। गाय क्या खा रही है। गाय क्या खा रही है। ठीक ठीक है। आपको इंडेफिनेट पता चल गया। इंडेफिनेट में हम क्या क्या चीज लिखते हैं बताते हैं। इंडेफिनेट में हमारा एफ वाला रह गया, वो मैं कल बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एफ वाला भी नहीं करेंगे। एफ वाला हमारा होल्डिंग पेंडिंग है। आपको मैंने इंडेफिनेट में ये बता दिया कि हम डेली एक्टिविटीज के लिए, करेंट एक्टिविटीज के लिए, कस्टम्स के लिए, रिचुअल्स के लिए, फैक्ट्स के लिए, लाइक डिसलाइक्स को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट बहुत सिंपल से इंडेफिनेट टेंस को यूज करते हैं। और कंटिन्यूस में आपको ये बता दिया, प्रीवियस वाली वीडियो में बताई थी चीज़ें मैंने। कंटिन्यूस में ये बताया था कि काम कंटिन्यू चल रहा होता है, गोइंग ऑन है, कोई चीज़ है ना, वर्किंग प्रोग्रेस है। तो हम ऐसे काम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे टाइमिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं, ठीक है। आज मैंने रूल्स लिखवा दिए, आज मैंने रूल्स लिखवा दिए। थोड़े बहुत बेसिक वर्ड्स बताए थे, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह कुछ। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आप ही की बुक से। आपको तो लगे कि हाँ सर आपने कुछ पढ़ाया है, तुम्हारी बुक से भी कुछ आएगा नहीं आएगा।
अभी तक इसमें से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिकली परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखे हैं। कभी तो हमने हम पहुँचे कंटिन्यूस तक हैं, हम पहुँचे ही कंटिन्यूस तक हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर लेंगे, तो उसके बाद हम ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। तभी तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस भी मैं आपको आप लाइव भी लोगे या फिर मैं रिकॉर्डेड क्लास करा दूंगा। सर मैं ये पूछ रहा था दशहरे का प्रैक्टिस। दशहरा कब का है? छुट्टी तो होनी चाहिए, मेरे को कंफर्म नहीं है, छुट्टी नहीं सर 15 तारीख का है। 15 तारीख को फ्राइडे है, मुझे कंफर्म तो नहीं पता, अगर होगी तो हम लाइव लेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं ले पाएंगे, मुझे पता नहीं है बेसिकली। सर मैं कहता कर रहा हूँ उसी दिन कर लेते हैं। अच्छा छुट्टी का तो बेसिकली मेरे को कन्फर्म नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ छुट्टियाँ होती है बहुत कम, होती है नहीं, त्योहारों पे भी नहीं होती है, रक्षाबंधन पे भी नहीं होती है, मेन जो रक्षाबंधन होता है बस उसी की होती है, और कोई होती नहीं है। दिवाली पर भी एक दिन की छुट्टी होती है, तो छुट्टी का तो अब चांसेस नहीं है, तब तो नो ही मानकर चलो। इन केस अगर नहीं होती है, आप ये मानकर चलो वर्ष से वर्ष नहीं होती कि अगर नहीं होती छुट्टी, तो क्या आपको मैं ये रिकॉर्डेड में ही पढ़ाऊंगा या फिर आप नेक्स्ट वीकेंड का वेट करोगे? रिकॉर्डेड में करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको जो एक चैप्टर रह गया है, रह गया है कंप्लीट हो चुका है जो चैप्टर, कौन सा काम ये हो चुका है कंप्लीट है ना, ये कल वाली वीडियो में हो चुका है, तो मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं ये करा दूंगा लैंग्वेज, है ना? ठीक है, मैंने देख लिया। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और एक सिखा रहा हूँ, ये आप ये वाला चैप्टर है टेंस वाले, तो टेंस वाले जितनी भीड़ जाएंगी ये आप दीवांशु को भी दिखा सकते हो, ठीक है? उसके भी हाँ सर, मैं ये कह रहा था हाँ। कि ये जो सीड्स है इसके बाद में सर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है, ठीक है।